आपका हमारे चैनल न्यूज़ ब्लास्ट में स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। के खोलने का था और आपने वो चार भी नहीं खोले। नहीं खोले बाद में, वो हम नहीं खोल सकते थे कोर्ट, वो तो इलेक्शन कमीशन ही खोल सकता। असल में हमारा इलेक्शन कमीशन, देखिए इंडिया में इलेक्शन कमीशन है, उसमें कभी किसी ने शिकायत नहीं की। मैं आपको बताऊँ हमारे यहाँ क्या हुआ है। मसलन हमारे यहाँ आधा कोई 45% शहरी वोटर्स थे, 55% देहाती थे। हुआ क्या है कि हमारे मसलन हमारे ज़्यादातर वोट शहर से आते हैं, तो शहर में पोलिंग स्लो कराई गई और सिर्फ 51% वहाँ पे कास्टिंग हुई, जबकि देहात में 70% से ऊपर चली गई कास्टिंग। उनको पता था कि देहात, अरे एक चीज़ नहीं हुई, कई टेक्निकल बातें हुई। धूप में लेडीज़ उसी बूथ में, एक बूथ में हम देख रहे हैं, शहर के बात कर रहा हूँ कि लेडीज़ का उसी जगह 300 वोट कास्टिंग हुई है और जेंट्स का 600 कास्टिंग हो रही है। अब लेडीज़ बेचारी दो दो घंटे तीन तीन घंटे वोट नहीं दे पा रही, गो स्लो की पॉलिसी रखी गई ताकि शहर में कास्टिंग कम हो। कोई एक पॉइंट नहीं है जो मैं आपको बताऊं, और ये पूरे मुल्क में हुआ है। देखिए बात ये है कि अगर हमारा फेथ क्या वजह है कि इंडिया का इलेक्शन कमीशन है तो वहाँ तो कभी किसी ने शिकायत नहीं की। तो यहाँ ये बार बार ये, और खुद आप अंदाजा, आपने खुद भी कहा कि उनका सिस्टम भी फेलियर हो गया, तो ये वो तो इलेक्शन कमीशन ने खुद कह दिया कि इसकी इंक्वायरी करें। वो अपने खिलाफ अगर ईसीपी मिला होता कैसे शेख साहब, तो वो अपने खिलाफ इंक्वायरी वाली बात तो ना करता ना शेख साहब। अगर ये नहीं, हम क्या इलेक्शन करा सकते हैं? इतनी तैयारी के बाद इतना ज्यादा खर्च किया, पिछले इलेक्शन से कई गुना इस बार ज्यादा खर्च हुआ, राइट, और जो सिस्टम बनाया फेलियर हो गया। चले मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का इसमें इलेक्शन के डे पे इतना भी कसूर नहीं था, अब इनका कसूर है। इलेक्शन डे के दिन पे जिस तरह हमें और हमारी पोलिंग एजेंट्सों को यरगमाल बनाया था, इस तरीके से हम देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के अमले को भी यरगमाल बनाया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जुर्म अब है कि ये सारा सब कुछ उनको पता है। वो कह रहे हैं फ्री एंड फेयर है, आप कह रहे हैं उन्हें यरगमाल बनाया, वो नहीं कह रहे ये बात। तो कह रहा हूं आप किसी के, इनका जुर्म है, आप उनकी तरफ से ये बात कैसे कह सकते हैं? वो कह रहे हैं फ्री एंड फेयर है। मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, ब्रेक के बाद में इसका जवाब की सारी तोपों का रुख पीटीआई की जानिब है। फैसल वावड़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, फैसल वावड़ा साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बताइएगा ये सारी जमातें, बड़ी छोटी तमाम जमातें, सबका रुख पीटीआई की तरफ है। वो कह रहे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए सारा मामला, सारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो सिस्टम था वो ऊपर नीचे कर दिया गया। इतनी आप लोगों की क्या कैपेसिटी या आप लोगों की इतनी पहुंच थी कि आप लोगों के लिए सारे इलेक्शंस को एक तरफ किया गया? क्या राज क्या है इसके पीछे फैसल वावड़ा साहब? देखिए जी, मैं आपको इन सब चीजों का हल बता देता हूँ ताकि आपके जितने भी लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है छोटी बड़ी, वैसे तो अब सारी छोटी रह गई हैं, इसका हल ये है कि आप नवाज शरीफ साहब को, अचकजई साहब, मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी को इक्तदार दे दें, ये सारा मैंडेट ठीक हो जाएगा, इलेक्शन भी ठीक हो जाएंगे, फौज भी ठीक हो जाएगी, अदलिया भी ठीक हो जाएगी, जमहूरियत भी ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, वो हम करप्ट नहीं है, और करप्ट ना होने की वजह से सारे करप्ट एक साइड पर हो गए। और क्योंकि अब एहतसाब होना, अकाउंटेबिलिटी रूथलेस होनी है, तो लोग चाह रहे हैं कि परेशान हो, और ये जो बार बार ड्रामा करते हैं बायकॉट करने का, दे कांट अफोर्ड टू बायकॉट, दे स्टिल नीड द असेंबली एज एन अम्ब्रेला, कि इनको पता है कि अगर ये असेंबली से बाहर निकले तो फिर तो इनका एहतसाब ऐसा होगा जिंदगी भर नहीं याद रखेंगे। प्रॉब्लम ये है असेंबली को भी अपना